क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सी एफ टी पार्ट 10 सी एफ एस सी कैलकुलेट ऑफ डी 3 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम फॉर हाई स्पिन एंड लो स्पिन। तो अब हम देख रहे हैं पार्ट 10 में सी एफ एस सी कैलकुलेट कर रहे हैं एंड डी 3 सिस्टम के लिए ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है एंड हाई स्पिन और लो स्पिन है। तो दोनों के लिए हम निकालेंगे। हाई स्पिन का मीनिंग होता है मैक्सिमम एनपीडी इलेक्ट्रॉन, ये कब होता है जब आपके लीगेंड क्या हो वीक लीगेंड हो। लो स्पिन कहते हैं मिनिमम एनपीडी इलेक्ट्रॉन यानी मिनिमम स्पिन क्वांटम नंबर, ये डिपेंड करता है जब लीगेंड क्या हो स्ट्रांग हो तो मिनिमम वो पीएड हो जाते हैं तो मिनिमम एनपीडी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो देखिए सी एफ एस सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ऑफ डी 3 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन एंड लो स्पिन। तो हम दोनों के लिए निकाल रहे हैं। नंबर फर्स्ट हम निकालते हैं एन डी 3। ये सिस्टम केवल डी ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना कि प्रिंसिपल नंबर। प्रिंसिपल नंबर एन आपका यहां पर क्या है 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एन डी 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम है किसके लिए देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, वो भी फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें क्या है लीगेंड वीक माना गया है, वीक लीगेंड है तो स्पिन हाई होगी। तो देखिए सीएफएसी निकालने के लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए टू ऑर्बिटल टॉप में रहते हैं, 3 ऑर्बिटल बॉटम में रहते हैं। टू ऑर्बिटल को ई से डिनोट करते हैं, 3 ऑर्बिटल को T2 से डिनोट करते हैं। जी लगा देंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को फील कर रहे हैं हम 1, 2, 3 वीक लिगेंड है तो मैक्सिमम एनपीडी इलेक्ट्रॉन कितने 3 है तो इसको हम हाई स्पिन कहेंगे। अब देखिए जो ये बेरी सेंटर है ऊपर इसका प्लस नीचे माइनस, तो यहां देखिए एन एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल, कितने हैं 0। ईजी है एनर्जी ऑफ ईजी ऑर्बिटल्स, ये बेरी सेंटर के ऊपर है तो प्लस आएगा, देन स्प्लिटिंग करेगा नीचे वाले ऑर्बिटल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से। नीचे 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं तो ये हो जाएगा 6 dq। 10 से डिवाइड करोगे तो प्लस 0.6 d₀। अब देखते हैं m, m है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन t2g ऑर्बिटल्स 1, 2, 3। t2g एनर्जी ऑफ t2g ऑर्बिटल्स, तो इसकी एनर्जी बेरी सेंटर से, ये बेरी सेंटर है ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये स्प्लिटिंग करेगा जो ऊपर ऑर्बिटल है इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों से। ऊपर 2 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 आ सकते हैं तो 4 dq। 10 से डिवाइड करोगे तो -0.4 d₀। ये हो गया है फॉर्मूला है इसका सी एफ एस सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ये होता है एन इंटू ई जी प्लस एम इंटू t2g। ये हमने पढ़ा है पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ईजी ऑर्बिटल एंड t2g ऑर्बिटल इज नोन एज सी एफ एस सी, इट इज डिनोटेड बाई dq एंड d₀। तो ये बात हो गई है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम पुटअप कर रहे हैं एन 0, ई जी 6 प्लस एम 3, t2g माइनस 4। क्या आ जाएगा 0 एन माइनस 3 इंटू माइनस 4 हो जाएगा -12 dq, या हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -1.2 d₀ सी एफ एस सी। ये है, देन हम इसका नेक्स्ट देख रहे हैं। यहां देखिए सेकेंड आ जाएगा, इसको हमने यहां करना चाहिए था। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या सिस्टम यहां आ जाएगा सेकेंड में एन डी 3
ऑक्टाहेड्रल फॉर लो स्पीड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स या सिस्टम। लो स्पिन कब होता है? जो हम लिगेंड को स्ट्रॉन्ग मानते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? जो आपके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर कर देता है आपस में। जैसे यहां पर 3 NPID इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन है, लो स्पिन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इनको पेयर करेगा। देखिए कैसे करता है, टू ऑर्बिटल एंड थ्री ऑर्बिटल। जब भी आप ऑक्टाहेड्रल करोगे तो ऊपर टू ऑर्बिटल, नीचे थ्री ऑर्बिटल। टू ऑर्बिटल को ई से, थ्री को T2 से। जी आपका डिनोट करता है ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए। इलेक्ट्रॉन है 3, 1, 2, 3। यहां पर NPID इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, यहां 3 थे, तो ये लो स्पिन हो गया है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इसके लिए देखिए N कितने हैं इसमें, जो इलेक्ट्रॉन है 0, Eg 6DQ, ये पहले बता चुका हूं, एक ही पार्ट में बताऊंगा। M इलेक्ट्रॉन सेम रहे 3, T2G माइनस 4DQ, ये वैल्यू सेम रहेगी। फॉर्मूला CFSE N इंटू Eg प्लस M इंटू T2G, इस वैल्यू को इसमें पुट अप कर दीजिए, 0 × 6 प्लस 3 × −4। 0 × 6 आपका वैल्यू 0 आ गई, 3 × −4 −12 DQ आ गया। इस −12 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा −1.2 डेल जीरो। डेल जीरो और डी क्यू आपके पैरामीटर्स है CFSE। एंड दिस एंड D3 सिस्टम के लिए भी आपने देखा, हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, इनकी जो आपकी एनर्जी है वो क्या है? इक्वल है। तो यहां पर हम नोट कर लेते हैं, CFSE ऑफ एंड D3 ऑक्टाहेड्रल हाई स्पीड एंड लो स्पीड एनर्जी इक्वल है, वह है −12 DQ, या इसको कहते हैं −1.2 डेल जी। अभी तक हमने D1, D2, D3 में देखा हाई स्पीड और लो स्पीड, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम की वैल्यू CFSE वैल्यू इक्वल आई है, कोई भी चेंज नहीं आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसमें D4। तो थैंक यू सो मच।